हेलो फ्रेंड्स, बर्तन काला होता हो या चूल्हे से कालिख निकलती हो तो इसे कैसे दूर करेंगे, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो बड़ा वाला चूल्हा है इसमें पीले कलर की जो लौ निकल रही है, इसे आप कैसे कम करेंगे और इसी के वजह से जो है हमारा बर्तन वो काला होता है, तो इसे हम दूर करने के लिए बताएंगे इस वीडियो में। कई महिलाओं ने हमें कमेंट भी किया है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को देखकर ये सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर से सारे पार्ट्स को आपको हटा लेना है। तो यहाँ से ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सबसे पहले हम हटा देते हैं। तो ये दोस्तों अभी गर्म है तो इसे हम कपड़े की मदद से इसे हटाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें सिलेंडर से रेगुलेटर को खोल लेना है। तो यहाँ पे हम सिलेंडर से रेगुलेटर को खोल देते हैं। सिलेंडर से रेगुलेटर को खोल देता हूँ और इसे हटा लेना है। अब जो है इसे हमें पीछे की ओर पलट लेना है और हमें इस तरह से इसे पलट देना है। इसके बाद जो है सबसे पहले आपको जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पहले बता देता हूँ। आपको एक ये रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, इसका नंबर जो है 8 और 9 है। उसके बाद आपको एक पिलास की भी ज़रूरत पड़ेगी। पिलास की ज़रूरत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका ये हाथ से नहीं खुल रहा है तो आप पिलास की मदद से इसे खोल सकते हैं। तो ये हमारा अभी लूज है जिसके हम हाथ से इसे खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद इसे हमें पहले हटा लेना है। और इसे हटा लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमें खोलना है। तो इसे खोलने के लिए हम इस रिंच का इस्तेमाल करेंगे। तो इस रिंच की मदद से हम इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 85 नंबर का अभी लगा हुआ था, तो इसमें हम जो है 77 नंबर का लगाएंगे, 77 या 65। तो ये अभी हमारा 85 नंबर का है देख सकते हैं, और हम ये अभी 77 नंबर का लगाएंगे। तो यहाँ पे 85 है और अभी हम 77 का लगाएंगे, यानी कि 85 को हम हटा देंगे। कई बार जो है महिलाओं ने ये मिस्टेक किया है कि अगर उसके चूल्हे में 58 नंबर का लगा हुआ है तो वो 65 का लगा देती है, जिसके वजह से और कालिख जो है निकलने लगता है। तो यहाँ पे करना आपको ये है कि अगर 85 नंबर का लगा हुआ है तो आपको 77 नंबर का लगाना है। ये तभी करना है जब आपके चूल्हे से कालिख निकलता हो। आपका 58 नंबर का लगा हुआ है पहले से तो उसे आप चेंज करके फिर से नया 58 का लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं 77 नंबर का उसमें लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए हम इसे लगा देंगे। तो इसे हम इसकी मदद से हम लगा देते हैं।
इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर इसे टाइट करते हैं तो ये टूटने का भी डर रहता है। हमने हर वीडियो में इसके बारे में बताया है कि इसे ज़्यादा टाइट ना करें। तो उसके बाद जो है हमें अब जो है इसमें सारे पार्ट को लगा देना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें को लगानी है। तो इसे लगाने से पहले आपको एक काम और करना है, इसमें अगर कचरा जमा हो, इसके अंदर में देख सकते हैं अगर कचरा जमा होता है, कचरा जमा हो तो आप पेचकस की मदद से इसे साफ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ कचरे जमे हैं, तो हम कचरे को इससे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें इसे लगा देते हैं। तो इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पे ये वाला जो है पेच इसमें हम लगा के अब जो है हम इसे सीधा कर लेते हैं। और सारे पार्ट को हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद हम नोब को भी इसमें लगा देते हैं, क्योंकि नोब हमारा लूज है तो इसे हम लगा दिए। उसके बाद अब हम इसे चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से सबसे पहले हम जो सिलेंडर से रेगुलेटर खोल लेते हैं, हम उसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर में रेगुलेटर को लगा दिया है। उसके बाद हम वहाँ से ऑन कर देते हैं उसे। तो अब चलिए हम इसे ऑन करके देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पीला लो आ रहा था, तो ये अभी कम हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो अभी बर्तन रखेंगे तो ये हमारा काला नहीं होगा। तो हम चलिए बर्तन को देख लेते हैं कुछ सेकेंड तक रख कर, बर्तन काला भी होता है या नहीं। ठीक है, तो अभी से हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बर्तन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन हमारा कहीं पर भी काला नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा नंबर का अगर नोजल लगा हुआ है तो उसे कुछ कम करना है, यानी कि 85 का लगा हुआ है तो 77 का लगाना है या 65 का लगाना है। 77 का अगर पहले से लगा हुआ है तो उसमें 65 का लगाना है या 58 का लगाना है। तो अगर 65 का लगा हुआ है तो उसमें 58 का लगाना है, या अगर 58 का पहले से ही लगा हुआ है तो उसमें फिर से हमें 58 का ही लगाना है, वो भी नया। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं, सिंपल सा ट्रिक है। इसे आप अगर यूज करते हैं तो आप भी चूल्हे को ठीक करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।